पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी यानी पीटीआई के प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर हमले के बाद से पड़ोसी मुल्क में हालात खराब हैं। इमरान खान पर पंजाब प्रांत के वजीराबाद में हुए हमले को लेकर सियासी बयानबाजी का सिलसिला तेज हो रहा है। इसी बीच पीटीआई नेता फवाद चौधरी ने एक दावा किया है। उन्होंने कहा है कि वजीराबाद की घटना को संज्ञान में नहीं लिया गया क्योंकि पाकिस्तान में कानून का राज है ही नहीं और कुछ ताकतवर समूहों ने देश की सियासी और न्यायिक व्यवस्था को बंदी बना लिया है। यही वजह है कि जब भी भारत के पीएम नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि पाकिस्तान में किससे बात की जाए तो कोई जवाब नहीं मिलता है। पिछले हफ्ते पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इमरान खान की रैली थी। इस रैली के दौरान गोलीबारी हुई जिसमें खुद पूर्व पीएम इमरान खान भी गोली लगने से जख्मी हो गए। इमरान खान पर गोलीबारी करने वाले आरोपी को वारदात के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद इस आरोपी ने कहा था कि वो इमरान खान की हत्या करने ही आया था और उसने उन पर गोलियां चलाई थीं। इस हमले के बाद से ही लगातार इमरान खान की पार्टी पीटीआई शहबाज शरीफ सरकार पर निशाना साध रही है। पूरे पाकिस्तान में जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इमरान खान पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पंजाब पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज कर ली है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज किया गया है। हालांकि इमरान खान की पार्टी ने इस एफआईआर को खारिज कर दिया है। पीटीआई के नेताओं ने इस एफआईआर को शीर्ष अदालत के आदेश और कानून के नाम पर किया गया मजाक बताया है। पीटीआई के नेता फवाद चौधरी ने कहा कि अगर इस एफआईआर में इमरान खान द्वारा बताए गए तीन आरोपियों के नाम नहीं हैं, तो ये महज कागज के एक टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। फवाद चौधरी ने कहा कि पीटीआई इस एफआईआर को तभी मानेगी जब इस एफआईआर में इमरान खान पर हुए हमले में शामिल तीन बड़े अफसरों का नाम भी दर्ज किया जाएगा। इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।